जैसे एक मूवी देखी आप लोगों ने, मेरे करण अर्जुन आएंगे देखिए क्या नहीं तो क्यों बोलती हो कुछ भी हो, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब आप लोग खुद ही बता दीजिएगा कि करण अर्जुन के लिए बिल का यूज होगा कि सैलरी। हे गाइस आज आप सीखने वाले इस वीडियो में विल और सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहले क्या होता था, आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता है? सेल, ठीक है। और ही, शी, नेम। पहले क्या होता था, आई और वी के साथ सेल का यूज, ही सी नेम इट और यू और दे के साथ होता था विल। ध्यान से समझना पूरा, इसका हिस्ट्री पूरी समझा दे रहा हूं मैं आज। देखो आई और वी के साथ क्यों सेल का यूज होता था? आई और वी ये दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज होता था। क्लियर है ना? शायद आज तक मालूम ना हो तो इनके साथ सेल का यूज होता था। सेकंड पर्सन है नीचे वाले, ये सबके सब अदर पर्सन है। कहने का मतलब है कि सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है। क्लियर है ना? और ये दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अब बात समझना इस चीज को, है ना, बहुत ही इंटरेस्टेड है ये मैटर, बहुत अच्छा है। क्यों यूज होता है सेल और टू विल? विल और सेल, देखिए आप, मैं बता दूं आप लोगों को, विल और सेल का मीनिंग जो होता है क्या होता है? गा, गे और गी। गा, गे और गी, ये यूज कहाँ किया जाता है? फ्यूचर में। कहाँ पर? फ्यूचर में। फ्यूचर का जब सेंस आए या फ्यूचर के सेंस में विल और सेल का यूज किया जाता है। क्लियर है ना? अब बात करते हैं कि कहाँ यूज किया जाए, ध्यान से समझना इस चीज को। यदि आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाता है, किसका? सेल का यूज, ठीक है ना, तो ये समझ लीजिएगा कि ये 100% श्योर नहीं है। क्या नहीं है? श्योर, नॉट श्योर, 100% नॉट श्योर। क्लियर है ना? आई और वी के साथ यदि सेल का यूज किया जाता है तो ये 100% श्योर नहीं है। क्लियर हुआ ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डन डन। ही, सी, नेम, इट और यू, दे। नॉर्मली किस चीज का यूज होता है इसके साथ? विल का, विल का, ठीक है। किसका यूज होता है? विल का यूज होता है कि नहीं? विल का यूज होता है। ये श्योर है 100% नॉट श्योर, 100% नॉट श्योर। समझते जा रहा है इसको, बहुत ही इंटरेस्टेड है ये मैटर। आई और वी के साथ यदि सेल का यूज किया जा रहा है तो 100% नॉट श्योर, 100% नॉट श्योर। क्लियर है ना? ही सी नेम इट के और यू यू दे के साथ विल का यूज हो रहा है तो ये 100% नॉट श्योर। क्लियर है कि नहीं? समझते जाना। अब नेक्स्ट स्टेप, आई और वी के साथ विल का यूज हो रहा है, समझ लीजिए 100% श्योर, 100% श्योर। क्लियर? ही, सी, नैन और इट, यू और दे के साथ यदि किसका यूज? सेल का यूज, यानी कि जस्ट उल्टा कर रहे हैं हम, हाँ, तो 100% श्योर है, 100% श्योर है। समझते हैं ना? इसीलिए इसका अब यूज नहीं किया जाता है, 100% श्योर। क्लियर है कि नहीं आ रहा कि नहीं? दिमाग से उड़ेगा क्योंकि पहली बार मैटर पढ़ रहे हैं। नॉर्मली क्या यूज होता है यदि किया जाए यूज या होता था, उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो क्या होता था? आई और वी के साथ सेल, सेल, ही, सी, नेम, इट, यू, दे के साथ विल का यूज होता था। होता था कि नहीं? यहाँ पर भी मैंने बताया, आई और वी के साथ यदि सेल किया जाता है तब 100% नॉट श्योर, 100% नॉट श्योर। ही, सी, नेम, इट, यू, दे के साथ यदि विल का यूज किया जाता है तो नॉट श्योर। क्लियर है ना? यही बात अगर जस्ट उल्टी कर देते हैं, आई और वी के साथ यदि विल का यूज किया जाता है तो 100% श्योर, और
ही सी नेम एक यू दे के साथ सेल का यूज किया जाता है तो 100% श्योर। जस्ट उल्टा है कि नहीं, है ना उल्टा। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, कैसे मालूम सर कि श्योर है और नहीं है श्योर, सही बात है कि नहीं। ये सबसे बड़ा मैटर है ना, घुमाओ, बिल्कुल बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को ये मैटर लेकर आया। ये बता कि हम कैसे पता करेंगे सर ये श्योर है, आ रही बात समझ में कि नहीं। हम कैसे पता करें कि बात श्योर है, क्लियर बात है कि नहीं। अब ध्यान से समझिए, यदि मैंने यहाँ पर आई यू वी दे ही सी नेम इट, और भी बच्चे इसमें नहीं सर, ही सी नेम इट सब हो गए, इनके साथ में विल का यूज करें, क्लियर है ना। कितने लोगों के लिए 100% श्योर है सर, वो छह के लिए। बोलिए, ये विल मैंने यूज किया तो इनमें से किसके लिए 100% श्योर बात हो रही है, तो क्या हो जाएगी 100% श्योर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बाकी सबके साथ अनश्योर है, क्लियर है ना, श्योर नहीं है। ध्यान से समझना इस चीज को, देखिए इसके साथ क्या हो जाएगा 100% श्योर, क्लियर है ना। अब कैसे हो जाएगा सुनिए, जैसे मैंने कहा कि मैं कल मार्केट जाऊंगा, तो सर वो अब आप बताइएगा कि जब मैं खुद अपने आप में श्योर नहीं हूं तो क्यों बोलूंगा, आ रही कुछ बात समझ में। अरे इंसान खुद तो श्योर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं जी सर। मैंने कहा नहीं मैं कल कोचिंग आऊंगा तो किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे तो है ना। अगर हमने कहा जैसे कि 2-3 लोग हैं, हम कल आपकी पार्टी में आएंगे, हम कल आपकी पार्टी में आएंगे, तो ये बात श्योर ही होगी ना, क्योंकि हम खुद ही बोल रहे हैं ना, खुद बोलते अपनी बात पे दम रखती है कि नहीं, रहती है कि नहीं अपनी बात पे दम। यदि मैंने कह दिया कि रोशनी कल कोचिंग आएगी, कल रोशनी कोचिंग आएगी, अच्छा ये बताइए क्या आप मेरी बात पे यकीन कर सकते हैं, नहीं सर नहीं 100% नहीं कर सकते, ठीक है सर। आप भले ही कह रहे हैं, क्या पता कल आएंगे कि नहीं, सही बात है ना, वो रोशनी की मूड के ऊपर आना कि नहीं आना, सही बात है कि नहीं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की बात है, फर्स्ट पर्सन की बात नहीं है। आगे ना बात समझ में, अगर मैंने कहा कि राहुल कल क्रिकेट खेलेगा, राहुल क्या खेलेगा, लिखोगे नहीं राहुल, पेज फाड़ दूंगा जितना लिखोगे। राहुल कल क्रिकेट खेलेगा, क्या आप बिलीव रखते हैं राहुल कल क्रिकेट खेलेगा, नहीं पता चले राहुल बोले नहीं अभी ये मुझे तो कल बुआ के घर जाना है, मामा के घर जाना है, बीमार पड़ा है उसको, फीवर हो जाएगा, नहीं चार वाली बात है, बुखार में जाऊं जाना। मैं नहीं सर, मैं तो कहती हूं घूमते रहे सर, तुम दोनों भाई बहन हो, जान खाते रहते हो, सुन लीजिए पहले भाई बहन हो सर, पता है जान बच के मेरे कपड़े गंदे करेगा, मुंह पोंछता है सही बोल रहे हैं, रामायण के दोनों बंदर है सर, तुम इनके कपड़ों से मालूम क्या किया करो, नहीं नहीं अपने वो जूते है ना वो साफ किया पिछले जन्म में आप कौन थे, एक दूसरे नील और वो कौन थे, भाई बहन में ऐसे होता है, हम लोग भी बहुत लड़ा करते हैं, भेज दिया जा रही है, ये लग रही है, वो लग रही है, और अपने आप को नहीं बोल रही सर, जिसकी सदा है आपने आपको क्या बोल रही सर, कहते मैं हीरो हूं, नहीं देखो क्या है कि वो आपसे चढ़ते हैं, आप वो आपसे क्या है चढ़ते हैं, है तो आपने जो खुन्नस है ना जो भड़ास है वो ऐसा बोल बोल के निकालते हैं, क्लियर है ना, ओके डन। सचिन वो खुद सोचने वाली बात हुई थी सर, इससे काहे के लिए चिढ़ गए सर, इसकी शक्ल भी तो चाहिए सर, चिढ़ लेना है सारे ऐसे बोलते हैं ये पते। अब यहां पर अब सेंटेंस समझ लेते हैं, ये बात क्लियर समझ में आ गई, क्लियर आ गई ना। अब बात करते हैं सेंटेंस की, तो कैसे मालूम करें कि ये बात श्योर है, जो मैंने बताया वो तो एक बताने वाली बात है, लेकिन श्योर कैसे माने कि बात बिल्कुल पक्की है, 100% पक्की है, आई और बी के साथ तो मान लिया, इसी नेम के साथ कैसे माने कि पक्की बात है, ऐसी कंडीशन बनती है। ये तो लिख लिया ना आप लोग, लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे मैं कल आऊंगा, आई विल कम, मैं कल आऊंगा, इसका आई विल कम टुमारो, यस टुमारो,
आई विल कम टुमारो, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ तो श्योर हूँ इस बात के लिए, क्लियर है ना। यदि मैं श्योर नहीं है, हाँ शायद मैं आऊंगा यार, हाँ आ जाऊंगा, आऊंगा या आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, ठीक है मैं आ जाऊंगा, मतलब उसके एक्सप्रेशन से मालूम चलेगा कि मैं आ जाऊंगा, तब क्या आएगा आई शैल कम टुमारो, क्लियर है ना। आई शैल कम टुमारो मेरे एक्सप्रेशन से लगेगा कि शायद मैं आ भी जाऊंगा और नहीं भी आऊंगा, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट हाँ, सी विल डांस वेल, सी विल डांस वेल, वो अच्छा नाचेगी, वो अच्छा नाचेगी। यदि ये लिख दिया जाए यहाँ पर सी शैल डांस वेल, सी शैल डांस वेल, वो पक्का है, पक्का है कि वो अच्छा नाचेगी, समझ में आ रहा है ना, 100% श्योर है। जैसे कभी हम किसी से कंपैरिजन करते हैं ना, अरे ये ऐसा नाचा है, इससे अच्छा तो वो नाचेगी, क्योंकि उनको तो हमने देखा है कई बार, समझ में आ रहा है ना। श्योरिटी कब आती है, जब हम पता होता है दूसरों के बारे में, तब श्योरिटी आएगी, जब हमने उसको कभी देखा होगा वैसा एक्ट करती हो, सही बात है कि नहीं। जैसे इन दोनों में कोई हो, हमने कह दिया नहीं उसके उस स्टूडेंट के नंबर ज्यादा आएंगे, कब, जब हमें उसके बारे में पता होगा, जब पता ही नहीं होगा तो कैसे हम श्योर होंगे, तो पता होगा उसी के लिए हम इस तरीके से यूज करेंगे। अब बात करते हैं और तरीके से, जैसे एक मूवी देखी आप लोगों ने, मेरे करण अर्जुन आएंगे, देखिए कि नहीं, तो कौन से लिख के बोलती हो, कुछ भी हो, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब आप लोग खुद ही बता दीजिएगा कि करण अर्जुन के लिए बिल का यूज होगा कि सेल का यूज होगा, क्यों होगा सर, सेल आएंगे, समझ में आ रहा, अगर वो आ गए ठीक है, तो फिर उस जो भी विलेन होता है उसके लिए क्या बोल रहे, तू मरेगा, तो इसमें क्या आएगा, नहीं नहीं तू मरेगा, सेल आएगा कि बिल, सर सेल ही आएगा, सेल ही आएगा, क्योंकि 100% श्योर है। आगे बात समझने के लिए अब एक चीज और मैं आप लोग बताऊं, जैसे सीजन रेनी आ गया, सीजन क्या आ गया, रेनी मतलब बरसात का, बरसात का, यदि मैंने बोल दिया कि बरसात होगी, अब रेनी सीजन आ गया है, अब नेक्स्ट मतलब कहने का कि इस सीजन में बारिश होगी, अब आप बता दीजिएगा इसमें बिल का, जैसे कि इट से स्टार्ट होता है ना, हाँ शेल आ गया, और रेन, इट सेल रेन, यानी क्या होगा यहाँ पर, इट सेल रेन, विल नहीं होगा ना, नहीं सर होगा, क्या बरसात आएगी ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इट सेल रेन, कब होगी, इन दिस सीजन, इन दिस डेज, इन दोनों, अच्छा मतलब जब बारिश का सीजन चल रहा हो तब आप ये बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं अभी ठंडी का सीजन है तो ठंडी पड़ेगी, श्योर है ना, हाँ सर, क्योंकि ठंडी का सीजन ऐसा तो होगा नहीं कि पतझड़ लग जाएंगे, ठंडी तो ठंडी है, बारिश का सीजन नहीं जो बारिश होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बादल गड़गड़ा रहे हैं, बादल आ गए हैं, तब भी बोल सकते हैं हो सकता है बारिश होगी, ठीक है, एक तो हो सकता आ गया तो मे का यूज हो जाएगा, अगर डायरेक्ट बोला है तो आप सेल का यूज कर सकते हैं, क्लियर है ना। अब वो डायलॉग ले लेते हैं, आप करण अर्जुन आएंगे आएंगे, क्लियर है ना, आसमान का सीना करण अर्जुन सेल्फी का, अब मैं आप लोगों को सेंटेंस बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे बोलना पड़ जाए करण अर्जुन के लिए बोलना पड़ जाए कि वे आएंगे, वे आएंगे, आएंगे, नाम भी लिख सकते हैं यार, दे सेल्कम, दे सेल्कम, सेल कम कम, ठीक है, करण अर्जुन के लिए आप करण अर्जुन भी बोल सकते हैं, करण करण एंड अर्जुन, और सर ये सर लगा दे विल कम तो श्योर नहीं है ना, नहीं श्योर है ना, उन्हें नॉर्मली पता नहीं है, श्योर श्योर में बिल लगा सकते, बिल लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहे हैं ना, ओके, दे सेल कम, वे आएंगे, अब उसमें जो विलेन होता है वो कौन होता है, अगर विलेन को बोलना पड़ गया, जैसे वो करण अर्जुन की माँ बोलती थी कि करण अर्जुन आएंगे और तू मरेगा, बोलते ना तू मरेगा, तो क्या आएगा उसमें, यू क्या आएगा, यू विल डे, बोलो सर क्या है, यू यू के साथ क्या आएगा, सेल सेल यू सेल डाई, ठीक है ना, यू सेल आई डाई, यू तुम मरोगे, समझ में आ रहा है ना, वो आएंगे और तुम मरोगे, यानी करण अर्जुन आएंगे, सेल कम करण अर्जुन, यू सेल डाई,
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरा मैटर क्लियर हो गया है, बस इतना है, बाकी नॉर्मल कुछ नहीं है। जो कुछ भी आपको यूज करना है आप कर सकते हैं, अदरवाइज आई यू वी दे ही सी नेम और इट के साथ विल का यूज करें, फालतू के झमेले में ना पड़े। क्लियर है ना? इट यहाँ पर आई यू वी दे ही सी नेम इट सभी के साथ आप किसका यूज करें? विल का यूज करें। क्लियर है ना? अगर किसी ने तो सर दो ही चीज के लिए श्योर है 100%, बिल्कुल हाँ, बाकी अनश्योर है, बाकी अनश्योर को श्योर करना पड़ेगा, फिर क्या लगाएंगे? उल्टा लगाएंगे ना, ये ना तब भी लगाएंगे। अरे सेल करेंगे, अभी आप कह रहे बिल लगाओ झमेले में मत पड़ो। बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ समझ में नहीं आए, कुछ नहीं कर पाए, क्या करें क्या नहीं, विल लगाओ। क्लियर है ना? गलत नहीं ना? आई विल कम डेफिनेटली, झंझट खत्म, मैं निश्चित ही आऊंगा, निश्चित आऊंगा जी, है ना? ये सही, आई विल कम, इसके लिए तो वैसे श्योर है, आई के साथ में बिल लगा रहे तो श्योर है। अगर किसी और के लिए बोलना है ही विल कम, तो ही विल कम डेफिनेटली, वो निश्चित ही आएगा, मेरी गारंटी है। समझ में आ रहा है ना? तो ये विल का यूज करें, फालतू के झमेले में ना पड़े और आप भी ना पड़े, ठीक है ना? अगर किसी को बताना है तो मैंने बता दिया, मैटर समझ में आ गया होगा। बाकी विल का यूज करें बिंदास, इंग्लिश बोले, ठीक है? इंग्लिश सर कुत्ते सर निकलते हो तो भागे थे। क्लियर है ना? सभी के साथ विल का यूज, और विल के साथ में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ये सेमी मॉडल है। क्लियर है? क्या है? सेमी मॉडल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेमी मतलब मॉडल भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और विल वर्ब भी है, वर्ब है विल। विल मींस क्या होती है? भी तो कर सकते हैं। अरे क्वेश्चन भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात विल वर्ब भी है, विल मींस होती है इच्छा करना। गाइस ये था आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और पहली बार यदि विजिट कर रहे हैं इस चैनल को तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।